हेलो एवरीवन, तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे BCS 12 का जून 24 का सॉल्यूशन, तो आज हम लोग देखने वाले हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 का ई। तो देखिए ये बोल रहा है, इफ़ 1 एंड ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी तो फाइंड दिस। ठीक है, तो ये जो है ना ओमेगा वाला क्वेश्चन, ये 1 रहेगा, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस हर बार आया है। ठीक है, तो ये अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हो तो आप सभी क्वेश्चन इसका बना लोगे। ठीक है, प्रीवियस में तो एक ही तरह का यहाँ पे जो वैल्यू था ना वो भी सेम तरह का रहता था क्वेश्चन भी, इस बार हल्का सा चेंजेस था, लेकिन अगर आप वो सब वीडियो देख के गए होगे ये वाला एग्ज़ाम देने तो आप इसको भी आराम से कर लिए होगे। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम लोग इसको बना लेते हैं। और हाँ, आप वो जो बाकी प्लेलिस्ट है ना उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आपको कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, सब आपको यहीं भी मिल जाएगा, आप डायरेक्ट एक्सेस करके पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है, पहले ये वाला पूरा प्लेलिस्ट कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का क्या है, 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर का पावर 6 इज प्लस 3 प्लस ओमेगा स्क्वायर का पावर 6। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग को दो फार्मूला इसमें याद रखना होता है, उसी के बेसिस पे ये सारा क्वेश्चन बन जाता है और बहुत इजी भी रहता है ये। ठीक है, तो हम लोग को ये ध्यान रखा है ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, ये फार्मूला है। ठीक है, ओमेगा क्यूब का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, और ये क्या है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये दो फार्मूला है, आप इस दो फार्मूला को याद कीजिए, बाकी ऐसा क्वेश्चन कोई भी आ जाए आप तुरंत बना लोगे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहता है, और आप BCS में सभी क्वेश्चन ही 5 मार्क्स के रहते हैं, अभी जो जितने भी पेपर आ रहे हैं उसमें सभी क्वेश्चन 5 मार्क्स से होते थे। ठीक है, पहले पेपर में होता था कोई कोई क्वेश्चन 10 मार्क्स का, एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन 10 मार्क्स से हो जाते थे, लेकिन अभी सब क्वेश्चन 5 मार्क्स का ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग ये दो फार्मूला याद कर लिए, अब इसी के बेसिस पे हम लोग सब बना लेंगे। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग इस पे आते हैं। तो ये क्या है, 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ देखिए ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को हम लोग इस जगह से निकाल सकते हैं। देखिए ये जो सेकंड फार्मूला है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हम लोग का ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, सिंपल हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो 1 है इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, है ना। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया, माइनस 1 हो गया। अरे हाँ, ये तो हम लोग को मिल गया ये वैल्यू, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस 1 लिख सकते हैं। इसलिए मैं बोला था ये दो फार्मूला का खेल है, बाकी सब बन जाएगा। तो इसको देखिए, इस जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस 1 लिखेंगे, तो 2 प्लस माइनस 1 का पावर 6, यहाँ पे प्लस रहेगा 3, और यहाँ पे देखिए ओमेगा फिर वही ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो इसका भी वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। तो मैंने वही लिख दिया है, माइनस 1 का पावर 6। अब इसको सिंपल सॉल्व कीजिए, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 2 माइनस 1 हो गया का पावर 6, प्लस यहाँ पे भी वही प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 1 का पावर 6, तो 2 माइनस 1 तो 1 हो गया 1 का पावर 6, प्लस 3 माइनस 1 2 हो गया 2 का पावर 6, 1 का पावर 6 1 ही होता है, 2 का पावर 6 64 होता है, तो 64 प्लस 1 65 आंसर। बस इतना निकालना था, समझे, छोटा सा। इस तरह का क्वेश्चन पहले भी आया, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, तो आपको ये चीज़ मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना जो क्वेश्चन को देख लेते हैं तो फिर बोलते हैं अरे मेरा बेसिक नहीं हो रहा है तो फिर मैं ये कैसे बनाऊँगा। देखिए मैं जितना क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ उससे रिलेटेड जितना बेसिक चीज़ होता है मैं वो भी डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना, तो आपको मुश्किल नहीं होगी ज़्यादा, आप बस करते जाओ, मैं जैसे बता रहा हूँ सब हो जाएगा आपसे। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 का ई। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका 1 का एफ नंबर क्वेश्चन, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रियल कोफिशिएंट्स एंड विद द फॉलोइंग पेयर ऑफ रूट्स। ठीक है, तो हम लोग को क्या निकाल रहा है, इसका इक्वेशन निकालना है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है, हम लोग को यहाँ पे दो रूट्स दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन भी प्रीवियस में आ चुका है, यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा उसका रूट्स दिया रहेगा, लेकिन यहाँ पे हो सकता है रूट्स का वैल्यू अलग रहेगा और हो सकता है क्वेश्चन का तरीका भी, लिखने का तरीका भी अलग रहे, लेकिन आपको वो चीज़ कैच कर लेना है। ठीक है, और इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, आगे आपको काम आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दो रूट्स हम लोग का क्या है, एम माइनस एन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन, और दूसरा क्या है, माइनस में एम प्लस एन डिवाइडेड बाई एम माइनस एन। ठीक है, तो ये हम लोग को दो रूट्स दिए हुए हैं, हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है इसका। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो ये है हम लोग का फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये आपका फॉर्मूला है, आप इसको याद कर लीजिएगा, बस इतना याद करना है, उसके बाद हम लोग ये कर लेंगे। तो देखिए हम लोग यहाँ पे क्या क्या निकालना है फॉर्मूला में, एक्स स्क्वायर तो ये सम ऑफ रूट्स निकालना है हम लोग को और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है, ये दोनों का निकालेंगे और इसमें पुट कर देंगे तो हो गया हम लोग का इक्वेशन बन जाएगा, है ना। तो चलिए सम ऑफ रूट्स निकालेंगे, तो सम ऑफ रूट्स मतलब क्या, ये दो रूट दिया है इसको सम कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, एम माइनस एन वही लिख दिए एम प्लस एन प्लस, और ये फिर है क्या दूसरा क्या है हम लोग का माइनस है, तो माइनस एम प्लस एन डिवाइडेड बाई एम माइनस एन, है ना। इसको सिंपल करेंगे तो
देखिए मैंने यहाँ पे आपके सुविधा के लिए प्लस लिख दिया है, वरना अगर आप बेसिक दिमाग में लगा हुए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस रहता तो यहाँ पे डायरेक्ट माइनस हो जाता है ना, तो एम प्लस है, एम माइनस एन, यहाँ पे माइनस हो जाता सिंपल है ना। तो बस आप लोगों को इसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो यहाँ पे देखिए सिंपल हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे है ना, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो आप लोगों को पता है क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे एम प्लस एन है, एम माइनस एन है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एम प्लस एन एम माइनस एन है ना। अब बेसिक क्रॉस मल्टीप्लाई जो करते हैं वो चीज़ है, जब हम लोग कोई भी ऐसा वैल्यू बनाते हैं जैसे 5/7 है प्लस 6/3 है, ठीक है 3 नहीं है उसको, मान लीजिए 11 है, तो आप जब इसको करोगे सॉल्व तो कैसे करते थे, 11 और 7 को मल्टीप्लाई कर देते थे, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, तो वही यहाँ पे भी करेंगे हम लोग। जब हम लोग एम प्लस एन और एम माइनस वन को कर दिए तो ये एम माइनस वन इसके साथ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा जब एम माइनस वन एम माइनस एन इंटू एम माइनस एन क्या हो गया, एम माइनस एन का होली स्क्वायर। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाता, डायरेक्ट माइनस लिख दिया, उसके बाद क्या है इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, तो एम प्लस एन को एम प्लस एन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा वही एम प्लस एन का होली स्क्वायर है ना। बस सिंपल हो गया उसके बाद इसको, तो ये तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे नीचे क्या हो गया एम प्लस एन एम माइनस एन, आप लोगों को ये फॉर्मूला तो आता ही होगा ना, ए प्लस बी और ए माइनस बी का क्या होता है, ये तो आपको पता ही होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, ये तो आप 6-7 में भी पढ़े होंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी का क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे भी देखिए एम प्लस एन है एम माइनस एन है, तो वही हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। और ऊपर सिंपल यहाँ पे देखिए ये क्या है हम लोग का ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, तो वो भी आपको पता ही हुआ ए माइनस बी का क्या होता है, तो यहाँ पे जाएगा एम स्क्वायर ए माइनस बी का, तो आता ही ना आपको फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर है ना, ये फॉर्मूला है सिंपल। तो यहाँ पे एम माइनस एन का होल स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो टू है टू ए बी, तो ये क्या है एम एन, तो टू एम एन प्लस बी स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे क्या है एन स्क्वायर, तो एन स्क्वायर हो गया, बीच में माइनस का माइनस। फिर यहाँ पे ये क्या है हम लोग का ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो वहाँ पे कर देंगे ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर है ना, सिंपल। अब देखिए यहाँ पे ये माइनस टू एम एन और ये प्लस टू एम एन कट जाएगा है ना, ये फिर प्लस एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर कट जाएगा, तो अंदर क्या बचा एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा टू एन स्क्वायर, और यहाँ पे नीचे क्या है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। तो ये हम लोग का सम ऑफ फ्रूट्स निकल गया इतना दूर, ठीक है। अब क्या निकालना है हम लोग को, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट भी निकालना है, फिर डायरेक्ट इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे, आ गया आंसर है ना। तो चलो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट निकालते हैं, तो प्रोडक्ट मतलब क्या होता है दोनों का मल्टीप्लाई है ना, तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो बस वही लिख दिया एम माइनस एन मल्टीप्लाई, और ये दूसरा रूट हम लोग का एम प्लस वन, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये कट गया ये कट गया ये कट गया ये कट गया, बचा क्या माइनस वन, तो बस वही लिख दिया प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट, तो सिंपल निकल गया माइनस वन है ना। अब देखिए सम निकल गया प्रोडक्ट निकल गया, फॉर्मूला में डाल दो तो क्या है फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स, तो एक्स स्क्वायर हो गया। बस आप यहाँ पे लिख दीजिएगा थर्ड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स क्या है हम लोग का, तो सम ऑफ रूट्स ये है, तो देखिए वही लिख दिया टू एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर एक्स है ना, सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है हम लोग का माइनस है माइनस वन है, तो यहाँ पे प्लस की जगह डायरेक्ट माइनस हो जाएगा है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल गया इतना दूर, समझे। तो बस इतना ही सा ईजी सा चीज़ है। अब यहाँ पे देखिए मैं अगर आपका रूट्स बदल देता हूँ तो भी आपका कैलकुलेशन तो मतलब बनाने का तरीका तो सेम ही रहेगा, है कि नहीं। तो इस तरह का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी आ चुका है, तो आप ज़रूर इस चीज़ को जब आप उस वीडियो पे जाओगे तो ज़रूर याद कीजिएगा कि हाँ मैंने ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन बना लिया है, ठीक है। और ये आपको ध्यान में तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना जिनका बैक लग चुका है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो पढ़ चुके थे क्वेश्चन को, वो पढ़ के गए थे क्वेश्चन को, लेकिन फिर भी वो समझ ही नहीं पाए उस वक्त, कह रहे ये तो ये क्वेश्चन है, ये तो मैंने पढ़ चुका है, ये तो मैंने बनाया था, वो समझ ही नहीं पाए थे। और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि वो एग्ज़ाम से एक रात या दो रात पहले देख रहे थे, जैसे आप में से भी मेजॉरिटी लोग एक रात या दो रात पहले देख रहे हो। अब जिनका बैक लग जाएगा, जैसे अभी आप एग्ज़ाम देने जाओगे, भगवान ना करे बैक लग जाए, मतलब भगवान ना करे कि बैक लगे, फिर भी अगर आपका बैक लग जाता है तो जब आप नेक्स्ट सेमेस्टर में आओगे ना, तब आप देखिएगा इसको प्रॉपर एक महीने दो महीने तीन महीने पहले देख रहे होगे ये वीडियो को, है ना। तो इसलिए जिनका आप एक दो रात पहले देख रहे हो, इसको अच्छे से बनाओ, इतना प्रैक्टिस कर लो कि आपको जब क्वेश्चन सेम तरह का आए तो आप समझ जाओ कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने किया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ प्रैक्टिस मस्ट, और इस सब्जेक्ट को एकदम सीरियसली लो, स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू कर दो। अगर आप
ये वीडियो देख रहे हो और आपके बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो नहीं पढ़ रहे, तो उन्हें बताओ कि ये पढ़ना ही पड़ेगा और उनको ये वीडियो शेयर कर दो कि लो भाई यहाँ से पढ़ लो, ठीक है, अपने ग्रुप में शेयर कर दो। और ये चैनल आपको एक बार जरूर चेकआउट करो, आपको यहाँ पे सभी कंटेंट मिलेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सभी सेमेस्टर का। तो अगर आपको काम का लगेगा तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको ये वाला PDF चाहिए तो मैंने पहले भी बता दिया है क्या करना है, सिंपल मेरे को इंस्टा पे मैसेज कीजिए, इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में। ये फ्री PDF नहीं होगा, पेड PDF होगा, यही जो मैं आपको बता रहा हूँ इसी को मैं PDF के फॉर्म में आपको वहाँ पे दे दूँगा, ठीक है। तो इस प्रकार लेता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।